न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। खोराबर थाना क्षेत्र के गायघाट बुजुर्ग में एक व्यक्ति की डूबने से हुई मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाया जाम, अधिकारियों के आश्वासन पर माने खुला जाम। प्रकाश पर्व दिवाली पर मंडलायुक्त अमित गुप्ता एवं जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने सभी को दी हार्दिक बधाई एवं की सभी के सुख समृद्धि की कामना। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने सभी को दी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चौरी चौरा तहसील सभागार में आयोजित हुआ जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस, 125 मामलों में से 9 का हुआ मौके पर निस्तारण। राजघाट स्थित राप्ती नदी के तट पर हुई माँ राप्ती की आरती, महापौर सहित अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। महानगर में सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए जिलाधिकारी ने विभिन्न वार्डों के सफाई व्यवस्था का किया निरीक्षण, गंदगी फैलाने वालों को दी चेतावनी, कहा गंदगी फैलाई तो होगी कड़ी कार्रवाई। हम है ना संस्था ने गरीब और असहाय बच्चों के साथ मनाया दीपावली पर्व, जलाया एक दिया शहीदों के नाम। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व SDM सदर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस, मामलों के निस्तारण के दिए निर्देश। प्रशासन द्वारा दिए गए आवश्यक दिशा निर्देशों का पटाखा विक्रेता कर रहे हैं पालन, दुकानों में रखे हैं आवश्यक अग्निशमन उपकरण। समाज सेवी संस्थाओं ने छोटी दीपावली पर गरीब और दिव्यांग बच्चों में वितरित किया भूजा, मिठाई, मोमबत्ती सहित अन्य उपयोगी सामान। छोटी दीपावली पर जमकर हो रही है पटाखों की खरीदारी, पटाखे जलाने के लिए तय है निर्धारित समय सीमा। उत्तर प्रदेश संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नवनाथ पांडे ने कहा, सहकारी समितियों के बकाया वेतन का भुगतान करे सरकार, नहीं तो कार्य होगा प्रभावित। और राजघाट बंदे पर निवास करने वाले के साथ आदर्श महिला कल्याण समिति ने मनाई दीपावली, जलाए दीप, बांटी मिठाइयां।